हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू MTS एग्जाम, जो कि 2021 में उड़ीसा सर्कल में हुआ था। आज हम लोग उसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 30/12/2020 को, यानी कि 30 दिसंबर 2020 को खोला गया 50,000 रुपये का एक किसान विकास पत्र कब परिपक्व होगा। सिंपली इसमें क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, उस बात का आप लोग ध्यान रखें। से सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो KVP अकाउंट है, किसान विकास पत्र जो अकाउंट है, उसका जो परिपक्वता की अवधि क्या है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है, वो आपसे सिंपली पूछा गया है। तो ये जो मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है KVP के लिए, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। क्यों बदलता है? जैसे ही इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर जैसे ही आपकी बढ़ेगी, आपका जो KVP के लिए जो टाइम पीरियड है वो घट जाएगा, मैच्योरिटी का घट जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट डाउन होंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, वैसे ही जो परिपक्वता की जो डेट है वो, या जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। तो सिंपली आप लोगों को इस प्रश्न को क्या करना है, आप लोग इस प्रश्न को स्किप कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो कैसे करेंगे आप लोग, 2020 की बजाय जो आपका 2023 का जो KVP अकाउंट है, कौन सा वाला। अब बात करें पोस्टमैन के लिए, तो पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए या MTS के एग्जाम की बात करें, तो जो इंटरेस्ट रेट्स है जो कि 31 मार्च को जो रिलीज हुई थी, जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुई है, और एक इससे पहले लागू हुई थी जो कि 31 दिसंबर को रिलीज हुआ था, और वो 1 जनवरी 2023 से लागू हुई थी। तो आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे KVP के लिए टाइम पीरियड पूछा जाएगा, कि मैच्योरिटी के टाइम पीरियड के, या किसी भी स्कीम की आपसे ब्याज दर पूछी जाएगी, तब आपको स्पष्ट रूप से या तो डेट देगा वो, या तो तारीख देगा आपको, या फिर वो क्वार्टर देगा। क्वार्टर आपको समझ में आना चाहिए कि क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कैसे होते हैं और कौन से क्वार्टर की नंबरिंग कैसे स्टार्ट होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो सिंपली आप लोग जो ब्याज दर है वो दोनों ही ध्यान रखें। कौन सी ध्यान रखें कि मोस्ट इंपोर्टेंट तौर से आप लोग सबसे पहले ध्यान रखें 1/1/2023 से जो लागू हुई थी वो वाली देखें, और एक बार अपने दिमाग में 1 अप्रैल 2023 वाली इंटरेस्ट रेट भी ध्यान रखें। दोनों ही इंटरेस्ट रेट्स आप लोग ध्यान रखें, दोनों में ही चेंजेस हुए हैं। सिर्फ एक SB और एक PPF के अकाउंट को छोड़ करके सभी में लगभग ब्याज चेंज हुए हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। KVP से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि KVP के जो अकाउंट्स हैं वो न्यूनतम 1,000 रुपये से खोले जाते हैं, 100 के मल्टीपल में खोले जाते हैं, 3 वयस्क व्यक्ति मिलकर के किसी जॉइंट अकाउंट को खोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखें कि जो KVP अकाउंट है उसकी जो अधिकतम जमा की जो राशि है, उसकी अधिकतम जमा की जो लिमिट है वो कोई निर्धारित नहीं है, यानी कि आप किसी भी लिमिट तक का कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में पूछा गया कि प्रतिवर्ष प्रति 1,000 रुपये की बीमा राशि पर एंडोमेंट एश्योरेंस संतोष का अंतिम घोषित बोनस क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जो बोनस रेट्स हैं, चाहे बोनस रेट्स हो PLI के लिए, चाहे बोनस रेट्स हो आपकी RPLI के लिए, टोटल जो आपकी 6 पॉलिसीज हैं PLI में और 6 पॉलिसीज हैं RPLI में, इनकी जो बोनस रेट है वो लगभग सभी पॉलिसीज के लिए, सभी जो पॉलिसीज हैं, टोटल 6 प्रकार की जो पॉलिसीज हैं, इन सभी के लिए लगभग अलग अलग है। तो आप लोग ध्यान रखें, जिनकी कॉमन है उनको आप लोग एक साथ याद रख सकते हैं, जिनकी अलग अलग है उनको आप लोग अलग अलग याद रख सकते हैं। तो सिंपली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक बात और ध्यान रखें बोनस रेट से संबंधित, कि जो PLI और RPLI की जो बोनस रेट्स हैं, जो कि अभी रिवाइज हुई थी, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है, वो उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि जो रेट्स हैं वो पुरानी ही चल रही है। तो आपका जो आंसर है वो पुराना ही करेक्ट हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बोनस रेट आपसे जब भी पूछेगा वो कैसे पूछेगा, बोनस रेट पूछेगा आपसे प्रति एक हज़ार पर क्यों पूछता है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो प्रति 1,000 पर ही होती है। और इसके अलावा इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि कौन सी पॉलिसी की पूछ रहा है आपसे, एंडोमेंट एश्योरेंस की पूछ रहा है, या होल लाइफ एश्योरेंस की पूछ रहा है, या आपसे कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस की पूछ रहा है, या आपसे जॉइंट लाइफ एश्योरेंस की पूछ रहा है, या एंडोमेंट एश्योरेंस की पूछ रहा है, या आपसे चिल्ड्रन पॉलिसी की पूछ रहा है, या एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस की पूछ रहा है, जो भी पॉलिसी की आपसे पूछ रहा है उसकी आप लोग बोनस रेट्स को ध्यान रखेंगे।
बोनस रेट्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो बोनस रेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, और आप लोग गूगल करना चाहें तो गूगल से भी आप लोगों को मिल जाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न से एक और अच्छी चीज सीखने की जो जरूरत है वो ये है कि जैसे ये एक पॉलिसी है एंडोमेंट एस्ट्रस, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग ईए पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न में पूछे जाते हैं कि ईए पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि पॉलिसीज के जो दूसरे नाम है वो भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग उनका भी ध्यान रखें। ईए पॉलिसी का दूसरा नाम है संतोष, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर ले। और प्रति 1000 पर प्रत्येक वर्ष के लिए जो सम एश्योर्ड है वो 52 रुपए है ईए पॉलिसी के लिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पीएलआई से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि पीएलआई की शुरुआत कब हुई, तो पीएलआई की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसी दी जाती है। पीएलआई में न्यूनतम 20,000 रुपये से इंश्योरेंस दिया जाता है और अधिकतम इंश्योर्ड की जो लिमिट है वो पीएलआई में 50 लाख रुपये है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्यवसायों और संगठनों के लिए डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल या अन्य भुगतान एकत्र करने का एक स्मार्ट विकल्प कौन सा है। सिंपली आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर बिल है और यहाँ भी आपका बिल मेल है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, जो कि आपका गलत है। क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन किसकी है, ये सिंपली डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये जो डेफिनेशन है वो कहाँ से रिलेटेड है, ये व्यवसाय यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है। और बिजनेस कौन सा रिलेटेड है, कहाँ पर मिलेगा ये टॉपिक आपको, तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर मिलेगा। और किस सेक्शन में मिलेगा आपको, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी कि जो आपके उत्पाद और जो सेवाएं हैं डाक विभाग की, पोस्ट ऑफिस की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका एक पार्ट है बिजनेस, यानी कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे मेल्स है, बैंकिंग एंड रेमिटेंस है, इंश्योरेंस है, स्टैम्प्स है, बिजनेस है, रिटेल सर्विसेज है, बहुत सारे उसमें पार्ट्स हैं उसके, तो उसका एक पार्ट है बिजनेस और रिटेल सर्विसेज, दोनों ही उसके पार्ट्स हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। वहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये डेफिनेशन आपकी ई पेमेंट की, ई पेमेंट की डेफिनेशन ये है कि व्यवसाय और संगठनों के लिए डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल या अन्य भुगतान एकत्र करने का जो स्मार्ट विकल्प है वो ई पेमेंट के माध्यम से आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ई पेमेंट में सिंपली क्या होता है कि ये आपका कोई एक संस्था है, ये संस्था है या कोई एक व्यक्ति है जो ये चाहता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं या उसके जो पब्लिक है, उसके जो पब्लिक मैन है उसको पैसा देना चाहते हैं, तो वो एक माध्यम बनाता है इंडिया पोस्ट को, और इंडिया पोस्ट के माध्यम से उसकी एक सर्विसेज है ई पेमेंट इंडिया पोस्ट की, उसके माध्यम से इंडिया पोस्ट को बीच में लेते हुए ये जो संस्था है वो अपने कस्टमर्स से अपने पास में पैसे लेते हैं। तो ये बिल्स को या अन्य जो पेमेंट्स हैं उनको रिसीव करने का एक तरीका है। किन के लिए, बिजनेस के लिए भी है, व्यवसायों के लिए भी है, बिजनेसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में पूछा गया कि वह कार्यालय जो एक पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में स्थापित होता है और बिना पते के या अस्पष्ट या अपूर्ण पते के साथ दावा ना किए गए और अस्वीकार किए गए पत्रों और पत्रों से संबंधित होता है उसे कहा जाता है। सिंपली ये एक डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले आप ध्यान रखें आप लोग, ये डेफिनेशन है आरएलओ की। आरएलओ की, आरएलओ का पूरा नाम क्या है, ये आपसे कई बार पूछा जाएगा और आपसे कंफ्यूज भी आपको करेगा, और आप लोग इसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखें कि आरएलओ का जो पूरा नाम है, आरएलओ की जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखें, डेफिनेशन ध्यान रखें, आरएलओ की फुल फॉर्म है रिटर्न लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस। पर एक जगह आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए जरूर देगा वो रिटर्न लेटर ऑफिस। डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ लेटर ऑफिस, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, लेकिन यहाँ ईडी है, यहाँ ईडी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके लिए सही आंसर क्या, इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। आरएलओ में बेसिकली क्या होता है, आरएलओ में कि जो अनक्लेम्ड आर्टिकल है यानी कि जिन पर कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि ये आर्टिकल मेरा है, कोई दावा नहीं कर रहा है, यानी कि अदावा वाले जो आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल जिन पर दावा नहीं किया गया यानी कि लावारिस है एक तरीके से वो समझे आप लोग। रिफ्यूज्ड आर्टिकल, रिफ्यूज्ड का मतलब है कि भेजने वाले के पास में ये आर्टिकल डिलीवर नहीं हो पा रहा है और जिसको भेजा गया है यानी कि एड्रेसी को भेजा गया है उसने लेने से मना कर दिया, तो ऐसे आर्टिकल्स को रिफ्यूज्ड की कैटेगरी में डालते हैं और आरएलओ भेज देते हैं। उसके बाद
ऐसे भी कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिन पर एड्रेस नहीं होता, बिना पते वाले होते हैं। कुछ अधूरे पते वाले भी एड्रेस हो, कुछ अधूरे पते के एड्रेस के कुछ आर्टिकल्स भी होते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स जो कि अनक्लेम्ड है, रिफ्यूज्ड है, बिना पते वाले हैं, अधूरे पते वाले हैं, इनसे डील करेगा रिटर्न लेटर ऑफिस। और आरएलओ की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, आरएलओ की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरएलओ की विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखें, जो फुल फॉर्म है वो रिटर्न लेटर ऑफिस है, ना कि रिटर्न लेटर ऑफिस। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन को टिक करते समय इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर पांच, पांचवा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि आपको ए ऑप्शन दिया हुआ है और इसके सामने इसकी परिभाषा दी है या इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। तो अगर ये मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, बी में जो दिया हुआ है, सी में जो दिया हुआ है, डी में जो दिया हुआ है, उसके सामने जो तथ्य सही है वो एकदम ठीक है, जो गलत है यानी कि जो गलत पेयर है, गलत पेयर है वो आपको इनकरेक्टली जो मैच्ड है, गलत जो पेयर है वो आपको टिक करना है, वो बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहले देखें आप लोग ऑप्शन नंबर ए, सीआरसी। सीआरसी में क्या है, पंजीकरण कार्य का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क। सीआरसी का है कंप्यूटराइजेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर सीआरसी, जिसकी डेफिनेशन है पंजीकरण कार्य का प्रसंस्करण, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें, ऑप्शन नंबर बी में एएमपीसी, एएमपीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, पूरा नाम फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एएमपीसी की फुल फॉर्म क्या है। एएमपीसी में क्या है, यहाँ शॉर्टिंग का काम होगा, यानी कि हाई स्पीड शॉर्टिंग विद मशीन, मशीन के साथ उच्च गति के साथ में छटाई की जाती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है अभी तक। ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी में डीबीओ, डीबीओ कौन होते हैं, डीबीओ होते हैं आपके हेड रिकॉर्ड ऑफिस या सब रिकॉर्ड ऑफिस, जो कि आरएमएस में होती है, और कई जगह पर हेड ऑफिसेस को भी डीबीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। और यहाँ इसके सामने दिया हुआ है पोस्टल स्टोर रिपोर्ट, जो कि गलत है और आपसे यही पूछा गया, कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर डी देखें एक बार, एमएमसी, एमएमसी में क्या कार्य किया जाता है कि ग्राहकों के लिए एक सहायता केंद्र है, मास मेल सेंटर जिसे कहते हैं हम लोग, वो एमएमसी का पूरा नाम है। तो क्या गलत है आपका, गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और प्रश्न के लिए सही आंसर भी क्या हो जाएगा, प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जाने थोड़ा सा बैग ऑफिस के बारे में, जैसे यूनिट बैग ऑफिस है, यूनिट बैग ऑफिस कौन सी बैग ऑफिस होती है, तो बीओ को छोड़ करके, ब्रांच ऑफिसर्स को छोड़ करके, बीओ को छोड़ करके सभी जो डाकघर है वो यूनिट बैग ऑफिस के रूप में जाने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है डीबीओ, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस में जितने भी आरएमएस में एचआरओ हेड रिकॉर्ड ऑफिस है या सब रिकॉर्ड ऑफिस है, और कई जगह पर एचओ को, तो एचआरओ हो या एसआरओ हो, कई जगह पर एचओ है, वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में जाने जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और बात ऑप्शन नंबर सी में बात कर रहा था वो पोस्टल स्टोर रिपोर्ट के बारे में, तो जो आपका सर्कल बैग ऑफिस होता है, सर्कल बैग ऑफिस होता है, सर्कल बैग ऑफिस किसे कहते हैं, तो जो आपके सर्कल्स में पोस्टल स्टोर रिपोर्ट्स होते हैं, पीएचडी जो होते हैं, उन्हें सर्कल बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और एक और बैग ऑफिस होती है, कौन सी, सेंट्रल बैग ऑफिस, कौन सी होती है, सेंट्रल बैग ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस किसे कहते हैं, सेंट्रल बैग ऑफिस कहते हैं जो आपका पार्सल डायरेक्टरेट है या पोस्टल डायरेक्टरेट है, उसका जो डी सेक्शन है, आपका जो डी सेक्शन है, उसे कहते हैं सेंट्रल बैग ऑफिस, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छह के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर छह में पूछे गए निम्न में से कौन सा सही है, सही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखें, केवल पत्रों के लिए, यानी कि फॉर लेटर्स ओनली, केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्सों, लेटर बॉक्स का उपयोग केवल पत्रों और पोस्टकार्ड की पोस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लेटर बॉक्स जिन पर केवल पत्रों के लिए लिखा हुआ है या फॉर लेटर्स ओनली लिखा हुआ है, ऐसे लेटर बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ या तो आप लेटर्स डाल सकते हैं, या तो आप लेटर्स डाल सकते हैं, या आप इसमें पोस्टकार्ड डाल सकते हैं, इसके अलावा अन्य को डालने की इसमें अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, बी में पूछा गया है कि जो क्यूएमएस के जो आर्टिकल है, क्विक मेल सर्विस, क्यूएमएस का मतलब क्विक मेल सर्विस, क्यूएमएस पत्रों में गंतव्य शहर के नाम के नीचे पूरा पिन होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है।
तो जो QMS के जो आर्टिकल्स है उनमें पिन कोड नीचे होना ही चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर सात, सातवें प्रश्न में पूछा गया INS जहाजों में उपस्थित नौसेना कर्मचारियों को लिखे गए पत्र किस तरह संबोधित किया जाना चाहिए, यानी कि जो नेवी में जो लोग काम करते हैं, इंडियन नेवी शिप्स में जो लोग काम करते हैं, यानी कि जो लोग नौसेना में है, उनकी जो डाक है वो किन के लिए जाती है, तो उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस, फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के लिए या मुंबई के लिए संबोधित की जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो लोग आर्मी में सेवा दे रहे हैं या एयरफोर्स में जो लोग सेवा दे रहे हैं, आर्मी या एयरफोर्स में जो लोग सेवा दे रहे हैं उनकी जो डाक है वो केयर ऑफ 56 APO या केयर ऑफ 99 APO के नाम संबोधित होती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ, आठवें प्रश्न में पूछा गया कि पत्रों के शीघ्र वितरण के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय है। वांछनीय से मतलब है डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब है कि कौन सी चीज होनी चाहिए, वांछनीय का मतलब हो गया कि क्या होना चाहिए, इसका मतलब है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है लेकिन क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ऑप्शन नंबर ए को देखें, पता कवर की लंबाई के समानांतर और निचले आधे हिस्से में और लेख के सामने के दाहिने हाथ की ओर लिखा जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि ये आपका कोई आर्टिकल है और इसमें जब भी आप लोग प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखते हैं तो ये आपके लिए जगह दी जाती है प्राप्तकर्ता के एड्रेस के लिए। जिस तरफ पता लिखा है उसका जो राइट हैंड साइड का जो नीचे वाला जो कॉर्नर है वहां पर लिखेंगे आप लोग प्राप्तकर्ता का पता, और राइट हैंड साइड का जो टॉप मोस्ट का जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, यहां पर चिपकाते हैं आप लोग डाक टिकट या जो लेवल्स है या जो आपके इंस्ट्रक्शंस है वो दिए जाते हैं, और ये वाला जो कॉर्नर है जिस तरफ पता लिखा है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे वाला जो कॉर्नर है उसमें लिखा जाता है प्रेषक का नाम और पूरा पता। तो इस तरीके से एक आर्टिकल पर एड्रेस लिखे जाते हैं, इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट टाउन को बड़े अक्षरों में नोट किया जाना चाहिए, यानी कि जब भी आप पोस्ट टाउन लिखेंगे, जब भी आप लोग पोस्ट टाउन लिखते हैं तो उसके लिए जो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है आपको, इस तरीके से बड़े अक्षरों में लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ पोस्ट टाउन का जो पिन कोड है वो नीचे नोट किया जाना चाहिए कि इसका जो पिन कोड है वो भी यहाँ पर 6 अंकों का होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में कि वाया, वाया से मतलब इस तरीके से आप कई बार यूज करते होंगे जब भी आप लोग किसी को रूट बताते हैं, या कई बार आप लोगों ने गवर्नमेंट की जो बसेज है उस जगह पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि वाया जैसे मार्ग का संकेत नहीं दिया चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ, नवे प्रश्न में पूछा गया कि पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि किस तारीख से शुरू होती है। तो इस प्रश्न को हम लोग कई बार कर चुके हैं, अब हम लोग सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। आप लोगों को इसका आंसर भी याद हो गया होगा कि पोस्ट बॉक्स का जो किराया है वो जिस महीने में आवंटित होता है, पोस्ट बॉक्स जिस महीने में आपको दिया जाएगा, किराएदार को दिया जाता है, आवंटित किया जाता है, उस महीने की पहली तारीख से, यानी कि उसी महीने के पहली तारीख से आपका जो किराया है वो स्टार्ट हो जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखें, महीने के पहले दिन से जिसमें पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, 10वें प्रश्न में पूछा गया कि किस कार्यालय में बैग में डाक सामान की वितरण पोस्ट बैग की प्रणाली उपलब्ध है। प्रश्न में सिंपली आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है उसको नोट डाउन करें, आपसे पूछना चाह रहा है कि जो पोस्ट बैग की जो सुविधा है वो कहां पर उपलब्ध है। तो पोस्ट बॉक्स की जो सुविधा है वो सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस बात ये प्रश्न भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें प्रश्न में पूछा गया कि आधिकारिक डाक पत्रों के वितरण के समय कम शुल्क का टिकट लगाने पर जब डाक अपर्याप्त रूप से भुगतान किया जाता है तो वह कितने शुल्क से किया जाता है।
सिंपली आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक व्यक्ति ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल को लेके आया और इस पर जो भी चार्ज लगना था, जैसे 22 रुपए चार्ज लगना है, कस्टमर ने 12 रुपए का भुगतान कर दिया, 10 रुपए का भुगतान नहीं किया, यानी कि 10 रुपए बकाया है, पर इस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता के पास में भेजा जाता है और प्राप्तकर्ता इस आर्टिकल को लेगा तभी ये चार्ज देने के लिए वो बाध्य है और वो इस आर्टिकल की सुपुर्दगी लेता है, यानी कि प्राप्तकर्ता इस आर्टिकल को रिसीव करना चाहता है। तो ये पूछा गया है कि क्या आपसे ये चार्जेस है वो जितनी कमी है उतना लिया जाएगा, या जितने की कमी है उसका दोगुना लिया जाएगा, या जितने की कमी है उतना तीगुना लिया जाएगा, कैसे लेते हैं? तो जो भी कमी है उसके बराबर ही चार्ज लिया जाता है। कब? जब आपका आर्टिकल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है। अन्य आर्टिकल के केस में जितना चार्ज बकाया है उसका दोगुना लेते हैं। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए, दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के केस में जितने चार्जेस बकाया है उतना लेते हैं, अन्य जो आर्टिकल्स है, अन्य जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के अलावा जो भी आर्टिकल्स है, यानी कि गैर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स की बात करेंगे, नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स की बात करेंगे, तब जो चार्जेस हैं वो दोगुने चार्ज लिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है? जितनी डिफिशियंसी है, जितनी कमी है, उतने के बराबर पैसा लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया कि जहां एक आधिकारिक डाक पत्र पर सेवा डाक टिकट के बजाय एक साधारण डाक टिकट का उपयोग किया जाता है, उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन ए को देखें। ऑप्शन एक में है कि पत्र को डाकघर द्वारा आधिकारिक डाक पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। सिंपली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है और इस पर सामान्य केस में सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि सेवा डाक टिकटों का इस्तेमाल किया जाता है। सेवा डाक टिकट लगा करके इनके चार्जेस को पे करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने सेवा डाक टिकटों का इस्तेमाल करने की बजाय जो साधारण हम लोग आमतौर पर जिन डाक टिकटों का इस्तेमाल करते हैं वो डाक टिकट लगा दी, ऑर्डिनरी डाक टिकट लगा दी, तो उसके साथ में क्या किया जाएगा? तो इस आर्टिकल के साथ में सिंपली क्या करते हैं कि इस आर्टिकल को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मानते हैं और इसे वितरण के लिए भेज देते हैं। अगर ये गलती प्रेषक बार बार करता है तो हम लोग इसकी सूचना हेड ऑफ द सर्कल को देते हैं। इस बात का ध्यान रखें, सर्कल के प्रमुख को इसकी सूचना दी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखें। ऑप्शन नंबर एक में कि पत्र को डाकघर द्वारा आधिकारिक डाक पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि इसको ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी में अनियमितता को डाकघर के अधिकारी प्रभारी द्वारा लाया जाएगा जिस पर संबंधित अधिकारी की सूचना पर पत्र को पोस्ट किया गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें, यदि लगातार ये गलती होती है तो अनियमितता को परिमंडल के प्रमुख के पास उनकी नोटिस में भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया कि अपंजीकृत पार्सल का वजन किससे अधिक नहीं होना चाहिए। पार्सल से संबंधित 2 से 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आपका अनरजिस्टर्ड पार्सल होगा अपंजीकृत पार्सल होगा, उसका अधिकतम वजन 4 किलोग्राम तक हो सकता है। जब भी आपका कोई आर्टिकल बीओ से उसकी बुकिंग होगी या बीओ में उस पार्सल का वितरण होना होगा, यानी कि पार्सल की बुकिंग बीओ से हो या पार्सल का वितरण बीओ में होना है, उस केस में जो अधिकतम वजन की जो सीमा है वो 10 किलोग्राम होती है। और बात करें बुकिंग के बारे में या बात करें वितरण के बारे में, जब बुकिंग या वितरण एचओ या एसओ से होना होगा उस केस में अधिकतम वजन की जो सीमा है वो 20 किलोग्राम है। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों प्रश्नों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न पूछा गया कि कितने वयस्क संयुक्त रूप से डाकघर बचत खाता एसवी खोल सकते हैं। तो आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, जिसे हम लोग पीओएसए अकाउंट कहते हैं, इस खाते को कितने वयस्क व्यक्ति मिलकर खुलवा सकते हैं। तो इस खाते को सिंगल यानी कि कोई एकल व्यक्ति खुलवा सकता है, और ज्वाइंट खाता जब भी खुलवाते हैं तो अधिकतम 2 वयस्क व्यक्ति मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें।
और POSA का जो अकाउंट है वो मिनिमम 500 रुपए से खोला जाता है। एडिशनल चीज ये भी आप लोग ध्यान रखें, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में प्रश्न पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि खाते में बाद में जमा किसके ग्रुप में किया जाता है, यानी कि जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है जो कि न्यूनतम 250 रुपए से अकाउंट खोला जाता है, एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपए न्यूनतम जमा कर सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है, अकाउंट की जो परिपक्वता की अवधि है वो खाता खुलने से 21 साल बाद है, यानी कि खाता खुलने से 21 साल बाद ये खाता मैच्योर होता है, और खाता खुलने से 15 साल तक इसमें पैसा जमा कराना होता है, और ये जो खाता है इसमें 50 रुपए के मल्टीपल में पैसा जमा कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। वही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए देखें, डाक निदेशालय का डी अनुवाद केंद्रीय बैंक कार्यालय के रूप में काम करता है। सेंट्रल बैंक ऑफिस कौन सी है, पोस्टल डायरेक्टरेट का डी सेक्शन को कहते हैं आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें कि सर्किल बैंक कार्यालय बैंक की खरीद और वितरण से संबंधित पत्राचार से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सर्कल बैंक ऑफिस है वो सर्कल बैंक ऑफिस की बात कर रहा है, सर्कल बैंक ऑफिस की बात कर रहा है, नॉट आ सेंट्रल बैंक ऑफिस की बात कर रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक ऑफिस है, जो सेंट्रल बैंक ऑफिस है वो डील करता है किन से, पत्राचारों से, सिर्फ और सिर्फ किससे, पत्र किससे डील करेगा वो, पत्राचारों से डील करता है। कौन, सेंट्रल बैंक ऑफिस, सर्कल बैंक ऑफिस नहीं करता, सेंट्रल बैंक ऑफिस करता है, सेंट्रल बैंक ऑफिस करता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो सेंट्रल बैंक ऑफिस है वो बैग, जो सर्कल बैंक कार्यालय की बैग की खरीद, सर्कल बैंक कार्यालय बैग की खरीद और वितरण से संबंधित पत्राचार से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत है। यहां पर सर्कल बैंक ऑफिस की जगह सेंट्रल बैंक ऑफिस होना चाहिए था, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, केंद्रीय बैंक कार्यालय होना चाहिए था इसका आंसर। तो गलत पूछा गया, गलत क्या है, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखें, एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन बीओ इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैंक ऑफिस। बीओ के अलावा जितने भी डाकघर है उन्हें यूनिट बैंक ऑफिस के रूप में जानते हैं, यह बात बिल्कुल सही है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, 17वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सही है। पार्सल बैग से संबंधित क्वेश्चन है, और पार्सल बैग से संबंधित जो क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पार्सल बैग एक ड्यू बैग नहीं है, पार्सल बैग एक ड्यू बैग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी इसे डिस्पैच किया जाता है तो अनयूजुअल, अनयूजुअल मेल की तरह इसे ट्रीट करते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पष्ट के लिए सही आंसर, कि पार्सल के जो बैग है वो ड्यू बैग नहीं है, जब भी इन्हें भेजा जाता है उन्हें असामान्य मेल के रूप में माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पष्ट के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गलत है, गलत कौन सा ये पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए देखें, मेल बैग आर नॉट ड्यू बैग, ये गलत है, मेल बैग ड्यू बैग होते हैं, मेल बैग्स आर ड्यू बैग, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यही गलत है, और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ड्यू बैग क्या होते हैं, ड्यू बैग वो बैग होते हैं जिनके लिए अगर आर्टिकल है या नहीं है उनको आपको भेजना ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। और नॉट आ ड्यू बैग का मतलब है कि अगर आपके पास में आर्टिकल है तो उस बैग को बनाए, आर्टिकल नहीं है तो वो बैग भी नहीं बनेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि अकाउंट बैग्स आर ड्यू बैग, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अकाउंट बैग्स हैं वो ड्यू बैग्स होते हैं, कि आपको प्रतिदिन अकाउंट बैग बनाकर ही भेजने होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी देखें, पैकेट बैग्स आर नॉट ड्यू बैग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखें, कैश बैग आर नॉट ड्यू बैग, ये भी बिल्कुल सही है, इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रश्न पूछा गया कि जब दूर दराज के स्थानों पर बहुत सारे बैग उपलब्ध हो तब किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं केज टीवी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें प्रश्न में पूछा गया है कि
निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर एक में है कि परीक्षण कार्ड सेवा पोस्ट कार्ड है, परीक्षण कार्ड सेवा पोस्ट कार्ड है, यानी कि जो ट्रायल कार्ड्स होते हैं वो सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें कि ट्रायल कार्ड्स यानी कि जो परीक्षण कार्ड है मार्ग द्वारा अग्रेसित किया जाना चाहिए यदि कोई उसमें चिन्हित है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें कि परीक्षण कार्ड स्टेशन बंडल में शामिल किया जाना चाहिए, ये गलत है, ट्रायल कार्ड्स को स्टेशन बंडल में इंक्लूड नहीं करते हैं। पूछा क्या गया, करेक्ट आपसे पूछा गया, करेक्ट दोनों ही है, इस बात का ध्यान रखें, ए और बी ऑप्शंस करेक्ट है, सी आपका इनकरेक्ट है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पहला ऑप्शन है डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये सभी लोग जानते हैं कि जो डाक विभाग है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, बी में पूछा गया कि डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 पोस्टल सर्कलों में विभाजित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पूरे इंडिया को डाक सेवाएं देने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। बात करें स्टेटमेंट नंबर तीन की, तीसरे में है कि डाक सेवा बोर्ड जिसे पोस्टल सर्विस बोर्ड या PSB के नाम से भी जानते हैं, डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है, बिल्कुल सही है, पोस्टल सर्विस बोर्ड अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। आपसे पूछा गया गलत, तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बात करें पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में, तो पोस्टल सर्विस बोर्ड की बात करें तो PSB के जो संरचना है उसमें एक चेयरमैन होते हैं, यानी कि PSB के एक चेयरमैन होंगे, इसके अलावा 6 सदस्य होते हैं। इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं, जो सचिव होते हैं डाक विभाग के, सचिव यानी कि सेक्रेटरी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, वही चेयरमैन होते हैं किसके, पोस्टल सर्विस बोर्ड के, और पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि पोस्टल सर्कल के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। सर्कल में पहले आपका सर्कल का नाम है, उसके बाद में दूसरा आपके लिए हेडक्वार्टर के नाम है, आपको बताना है कि जो सामने दिया गया है क्या वो करेक्ट मैच है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर एक में है कि उड़ीसा और भुवनेश्वर, तो उड़ीसा सर्कल का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें, दिल्ली और नई दिल्ली, तो दिल्ली सर्कल का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार सर्कल का मुख्यालय दरभंगा में स्थित है, ये गलत है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि बिहार सर्कल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसके साथ में आपको छोड़ के जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में पूछा गया कि रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय कार्य करता है, तो सामान्यतः जो डाकघर है या जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो रविवार के दिन पोस्ट ऑफिस की जो छुट्टियां हैं, पोस्ट ऑफिस की जो हॉलीडेज है उनके दिनों में, और साथ साथ जो राष्ट्रीय जो छुट्टियां हैं, नेशनल जो हॉलीडेज है इनके दिनों में सामान्यतः डाकघर बंद रहते हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं, लेकिन रविवार के दिन पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन, राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन एक ऑफिस खुलता है जिसका नाम है नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया कि महानिदेशक किसी भी डाकघर के कार्य के समय को कब तक बढ़ा सकते हैं, तो सामान्यतः क्या होता है कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है इसके समय का जो निर्धारण की बात की जाएगी, समय के निर्धारण की बात की जाएगी, तब इसका आंसर होगा हेड ऑफ द सर्कल, यानी कि CPMD चीफ पोस्ट मास्टर जनरल इसका आंसर होगा। बात करेंगे इसके समय में बढ़ोतरी की जब बात की जाएगी, इसके टाइम में एक्सटेंशन की जब बात की जाएगी, तब इसका आंसर होगा DG पोस्ट यानी के महानिदेशक डाक विभाग, इसका सही आंसर होगा। और समय में बढ़ोतरी कब तक की जाएगी, रात 8:30 तक की जाएगी, रात 8:30 तक जब समय को बढ़ाया जाएगा तब कौन से कार्य किए जाएंगे, जब डीजी पोस्ट यानी कि जो महानिदेशक डाक सेवा है, महानिदेशक है डाक विभाग के, इनके द्वारा बताए गए जो भी कार्य है वो सारे कार्य किए जाते हैं, कौन से कार्य नहीं किए जाएंगे इस बात का ध्यान रखें। पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक संबंधी कार्य, POSB संबंधी कार्य जैसे जमा या निकासी,
ऐसे कार्य नहीं होंगे, ये काम सस्पेंडेड रहते हैं। डाक का जो वितरण है, पोस्टल आर्टिकल्स है, डाक विभाग के जो आर्टिकल्स है, डाक है, उसका वितरण भी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। ये दोनों कार्य सस्पेंडेड रहते हैं। प्रश्न सभी पूछे गए इस बात, इसलिए सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। समय को बढ़ाया जा सकता है रात 8:30 बजे तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न पूछा गया कि पंजीकृत और बीमित पत्रों का बुकिंग के लिए व्यवसायिक घंटे आमतौर पर कितने हैं, यानी कि आपके पास में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, आपसे पूछा गया कि जो आपका ऑफिस की जो टाइमिंग है, इसमें से कितने समय तक के लिए आप लोग रजिस्टर्ड आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल की बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि आप लोग कब तक इसको बुक कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो सामान्यतः वर्किंग डेज में यानी कि वीक डेज की बात करें, सोमवार से शुक्रवार की बात की जा रही है, तब रजिस्टर्ड आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल की जो बुकिंग है वो 6 से 7 घंटे एक दिन में की जाती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर एक देखें कि डाक का भुगतान आमतौर पर डाक टिकटों के माध्यम से प्रभावित किया जाता है, यानी कि जो डाक टिकटों का जो डाक भार का जो भुगतान है, यानी कि जो पोस्टेज चार्जेस जो भी लगते हैं, पोस्टेज जो शुल्क लगते हैं, डाक भार जो भी लगता है, उसका जो भुगतान है वो सामान्यतः डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, बी में है कि डाक टिकटों के भुगतान के लिए राजस्व टिकटों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए राजस्व टिकट, रेवेन्यू जो स्टैम्प्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन के छापों के माध्यम से किया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पोस्टेज चार्जेस का जो भुगतान है वो फ्रैंकिंग मशीन के छाप के द्वारा भी किया जा सकता है। प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि जो डाक भार है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज है, डाक शुल्क है, उसका भुगतान कैसे किया जा सकता है, तो उसका भुगतान डाक टिकट चिपका कर भी कर सकते हैं आप लोग, कैश यानी कि नगद रूप में भी कर सकते हैं, फ्रैंकिंग मशीन की छाप के द्वारा भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तीनों में से किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। और एक और बात ध्यान रखें कि डाक भार का जो भुगतान है वो रेवेन्यू टिकट्स, रेवेन्यू जो स्टैम्प्स हैं, उनको चिपका करके नहीं कर सकते, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर एक देखें, ऑप्शन नंबर एक में प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल को कम से कम 2 डाकघरों के डेट स्टैम्प लगाना होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक लेटर की बात करें, पैकेट या पार्सल की बात करें, उस पर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगती है, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें कि पोस्ट ऑफिस नाजुक पत्रों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष सावधानी नहीं बरतता है, बिल्कुल सही है कि पोस्ट ऑफिस फ्रेजाइल आर्टिकल, नाजुक वस्तुओं से मतलब कांच का कोई सामान है आपका, कांच का कोई सामान है जैसे ग्लास वगैरह या कप प्लेट, कुछ भी आप समझ सकते हैं, या आप लोग चाहे तो फ्रेम्स वगैरह भी, कुछ भी हो सकता है आपका, तो कांच के जो सामान है उसके लिए फ्रेजाइल जो आर्टिकल्स है, फ्रेजाइल आर्टिकल में कांच की वस्तु आ सकती है और कोई नाजुक वस्तु आ सकती है, जो कि आप लोग तारीख मोहर जब भी आप लोग अपनी लगाते हैं उसकी जो प्रेशर है, उसका जो दबाव है, उससे अगर टूट जाते हैं उस आर्टिकल को कहेंगे नाजुक आर्टिकल। तो नाजुक आर्टिकल जो होते हैं, फ्रेजाइल जो आर्टिकल्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पोस्ट ऑफिस कोई इंतजाम नहीं करता है, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए स्पष्ट के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए देखें, जनता को सलाह दी जाती है कि अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों के बाहर मोहरों के लिए सीलिंग मोम का उपयोग ना करें, बात बिल्कुल सही है। कस्टमर्स को सलाह दी जाती है, पब्लिक को सलाह दी जाती है कि जब भी अनरजिस्टर्ड लेटर और पैकेट्स को लेके आएंगे तब उनके लिए सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, जब भी आप लोग सील करना चाहते हैं उस केस में। अगर सील करना है, अगर आपको लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर सील करना है, तो उस केस में क्या करना है कि आप लोग कोई टिश्यू पेपर ले सकते हैं या कोई थिन पेपर ले सकते हैं और उसको लगा करके आप लोग उसके ऊपर सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 17 के अनुसार कीमती पत्र किसके द्वारा भेजे जाते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि प्रीसियस जो स्टोन्स हैं,
चाहे बात करें कीमती पत्थर की, सोने या चांदी के जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करें, बुलियंस की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, इन सभी को सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में प्रश्न पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक के कौन सा क्लॉज डाक टिकट लगाने के तरीके का वर्णन करता है। ये आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया कि मैनर ऑफ अफेक्शन पोस्टेज स्टैम्प्स का जो रूल है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक के कौन से नंबर का रूल है। ध्यान रखें क्लॉज नंबर 23 ये बताता है कि आपको डाक टिकट कैसे चिपकानी है, इस बात का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।